नकुलनाथ लोगों की भीड़ देखकर उत्साहित है। उन्होंने कहा कि लोग खुद ब खुद इतनी संख्या में किसान आंदोलन में आए हैं। यह मेरे राजनीतिक जीवन का पहला आंदोलन है। यह आंदोलन सफल होने जा रहा है। हमारे जिले की जनता की आवाज दिल्ली तक सुनाई देगी। छिंदवाड़ा के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किसान आंदोलन में सभा में पहुंचे नकुलनाथ जनता को देखकर गदगद हुए। सांसद नकुलनाथ ने देश और प्रदेश की सरकारों पर जमकर प्रहार किया। सांसद नकुलनाथ ने जनता से कहा, भोपाल विधानसभा और दिल्ली लोकसभा तक आपकी आवाजें बुलंद कर सकूं। इतिहास में पहली बार देश की और प्रदेश की सरकार ने रोटी कपड़ा और मकान छीना है। मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, लेकिन हमारे किसानों का सीना है वो लोहे का है। नकुलनाथ धरना स्थल से पहले चंदन गांव से एक ट्रैक्टर रैली में ट्रैक्टर चलाते नजर आए। उनके पीछे बड़ी संख्या में ट्रैक्टर की लंबी कतार देखी गई। वहीं धरना स्थल पर भी जनसमूह उमड़ा। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं किसानों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ूंगा। ये मेरा पहला आंदोलन है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन बहुत सफल रहेगा और मेरी आवाज़, आपकी आवाज़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानों तक पड़ेगी। इन बीसीएन के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर चक्रवार की रिपोर्ट।